कितना अजीब है ना यार, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे तो। मनन यार तुम कुछ तो करो, कब तक हमें यहाँ पे ऐसे खड़े रहना पड़ेगा? वैसे भी तुम्हारी ये खटारा बहुत लेट करा चुकी है मुझे ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता ये ठीक होने वाली है, और जैसी ये जगह है ना, शादी या कोई मैकेनिक मिले तो आपकी पार्टी तो हो गई मिस। हो सकता है रात को गाड़ी में सोना पड़े आपको। मैं नहीं सो रही गाड़ी में, तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ, माना बॉयफ्रेंड हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका जिम्मा भी मैं अपने सर ले लूँ। गरीब को कभी तो बख्शो यार। मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो। अच्छा ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। हाँ मैंने भी एक घर देखा था पीछे, शायद हमारी वहाँ पे कोई हेल्प कर दे। वैसे भी रात होने वाली है, एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं। चलो सुनो भाई। यहाँ पे कोई बस आती है क्या? सुबह तो आती है पर अब नहीं आएगी। और इस घर में कोई रहता है क्या? तुम्हारी भी गाड़ी खराब हो गई क्या? छोड़ो ना तुम, हम खुद ही देख लेते हैं, शायद कोई पागल है ये। कितना अजीब है ना यार, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे तो। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। डरो मत रिया, मैं हूं ना, चलो। लगता है यहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम? और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता है? यहीं रुक जाते हैं, है ना? और वैसे भी सुबह तक गाड़ी में कमर अकड़ जाएगी। चलो चलते हैं। कहाँ रह गए मनन? कौन है? कौन है? मनन? क्या हुआ रिया, क्यों चिल्ला रही हो? तुम वहाँ थे ही नहीं, और आधी रात को यहाँ चाकू लेकर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कितना डर गई थी मैं। अरे मैं पानी पीने आया था, पानी तो मिला नहीं, लेकिन ये चाकू मिल गया। सोचा बैग में एक एप्पल पड़ा है, क्यों ना उसको काट लूं।
हाँ हाँ, मेरी यहाँ जान निकले जा रही है। और तुम एप्पल्स एंजॉय एंजॉय। तुम खाओगी? नहीं, तुम ही खाओ। मैं जा रही हूँ, मैं जब हो जाए तो आ जाना। कौन है? कौन है वहां? तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या? कैसे? के मुझे ऐसा लगा कि हमारे अलावा भी कोई है यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। वो आवाज क्या? वो चलने की आवाज, शायद ऊपर कोई चल रहा है। मनन, ऐसा कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। मनन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। और अगर तुम्हें इतना लग ही रहे ना, चलो चलकर एक बार देख लेते हैं। चलो, चलो। मनन जल्दी चलो। यार पापा पता नहीं कैसे चला लेते थे ऐसी सड़कों पे। सड़कों की तो बैंड बजी पड़ी है। काश पापा होते ना। शिट, कहाँ फंस गए यार। क्या हो गया कार को? आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं थैंक यू। डोंट वरी, बट मुझे काफी हद तक गाड़ियों का काम आता है। ठीक है, देख लो अगर तुम्हें कुछ समझ आता है तो। लगता है गाड़ी काफी पुरानी है आपकी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इंजन गर्म हो गया है, इससे ज्यादा लोड नहीं लेगा। इससे तो अब मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। ठीक है, तो फिर इसे ऐसे छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगी। ओके, एज यू से। क्या यार, गाड़ी भी खराब हो गई है और रात भी होने वाली है, नेटवर्क भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? डरो मत, चाय लेकर आया हूँ। वो रास्ते में एक टी स्टॉल था तो मैंने सोचा चाय पी लेता हूँ, फिर बाद में सोचा कि अकेले पीने का मजा नहीं आएगा, तो एक कप तुम्हारे लिए भी ले आया। तुम्हें किसने कहा है? मुझे नहीं पीनी चाहिए। देखो, अब नहीं पियोगी तो फेंकनी पड़ेगी और वो बात अच्छी नहीं है। प्लीज, वैसे भी मैं यहाँ कहाँ खड़े होकर चाय पीऊंगा। पियो ना पियो, मुझे उससे क्या यार। एक्चुअली मेरी ना बाइक खराब हो गई है और मौसम भी खराब है, आई थिंक बारिश भी आने वाली है। प्लीज हेल्प मी ना, तुम्हारे पास तो कार है। मैं तुम्हें अंदर कैसे आने दूँ? आई डोंट नो यू। यार मैं एक पार्टी में जा रहा था,
पर मेरी बाइक खराब हो गई, प्लीज हेल्प मी। कैसी पार्टी? मेरा दोस्त है सिद्ध, उसी के यहाँ पार्टी है और मैं यहाँ फंसा हूँ। एड्रेस? 46 मीरा रोड। तुम सिद्धार्थ की बात कर रहे? हाँ। एक्चुअली मैं भी उसकी पार्टी में जा रही थी, तुम्हारे पास उसका नंबर भी होगा? बिल्कुल। तो कॉल करो और मुझसे बात कराओ। हाय ये लड़की। हेलो। हाँ सिद्ध। हाँ यार बताया था ना मेरी बाइक खराब हो गई है। हाँ रास्ते में तुम्हारी एक दोस्त मिली है, लो बात करो। हेलो सिद्ध, एक्चुअली ना मेरे फोन का नेटवर्क नहीं था और इस वजह से तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाई। तुम्हारा दोस्त मिला रास्ते में, तो कैन आई ट्रस्ट हिम? तुम्हारी इस इंटरोगेशन के चक्कर में ना सारी चाय ठंडी होगी, लो चाय। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ रुकना कहाँ है? रुकना कहाँ है मतलब? अब सारी रात इस गाड़ी में थोड़ी निकालेंगे, इससे अच्छा कोई होटल ही देख लेते हैं। मैंने किया तो था सर्च फोन पे, पर यहाँ आसपास तो कोई होटल ही नहीं है। तुम आई थी आगे से, तुमने देखा? आगे भी कोई नहीं है, इसलिए तो मैं बाइक लेके वापिस आ रहा था कि कोई मैकेनिक ही मिल जाए। मैंने एक घर देखा था पीछे, वहाँ चले क्या? चलो कोई और ऑप्शन तो है नहीं, चलो। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जैसे इस घर के हालात हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता भी होगा। हाँ देखकर तो यही लगता है। तो फिर यहीं रुक जाएं? यहाँ? क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये जगह क्रीपी नहीं है? अब जो भी है, कार से तो बेटर ही है, और वैसे भी ऐसी जगह पर कार में रुकना सेफ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो फिर देखते हैं। पर अंदर कैसे जाएं? देखो दरवाजा खुला है क्या? चलो। देखो खुला है क्या? खुला। चलो। डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगी? ये भी बात ठीक है, दूसरों को डराने वाली वैसे भी कहाँ डरती है। Excuse me? नहीं कुछ नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये देखो दीवारें बोल रही हैं। जरूर। पर तुमसे डरावने तो ये भी नहीं है। अपना मुंह मत उड़वा लेना मुझसे। मिट्टी है यहाँ, मुझे नहीं लगता काफी टाइम से कोई यहाँ आया भी है। देखकर तो यही लगता है, कई सालों से नहीं आया कोई। जगह भी तो सुनसान है, और वैसे भी कौन ही आएगा ऐसी सुनसान जगहों पर, शहर से दूर। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं, पागल नहीं होते क्या वो लोग? ओ हेलो, मैं भी ऐसी जगह पे रहा करती थी, और चाहे थोड़ी दूरी सही, और जिस पार्टी में तुम जा रहे हो ना, वो भी शहर से दूर ही है। अरे शांत, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, अब बैग उठाओ और चलो यहाँ से। ओके। और सोने की जगह ढूंढो, और वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ।
लगता है यहाँ कोई फैमिली रहती थी जो छोड़कर चलेगी इस जगह को, पर पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं शहर से इतनी दूर, और वो भी पूरी जॉइंट फैमिली के साथ। मुझे तो अपने घर गए 4 महीने हो गए। क्या हुआ अभिनव? क्या हुआ विशाली, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो मैं चादर झाड़ रही थी, उसके ऊपर चूहा था, उसने मुझ पे छलांग मार दी। और तुम कहाँ थे इतनी देर की? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे रिलैक्स, वो चूहा था। तुम्हारे ऊपर गिरा होता ना तब तुम्हें पता चलता। अब तो चला गया ना? हाँ। तो थोड़ा ये ग्रिप लूज करोगी? तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं। अच्छा सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो चलते हैं, रूम सेट करते हैं, और फिर ये भी डिसाइड करना है कि किसने कहाँ और कैसे सोना है। ठीक है चलो। हेलो मिस्टर साइको। हुँ? खुद से बात करने की बीमारी है क्या? और ये क्या हॉल सेट कर रहे हो? हम एक रात के लिए रुकना है, पूरी जिंदगी नहीं बितानी। बिताने भी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, बस एक अच्छी कंपनी मिल जाए तो। बेटा मेरे साथ फ्लर्ट करने की ना ट्राई भी मत करना। ये तो गलत बात है भाई, एक तो तुमने नाखून मारे और वो भी इतने बड़े, अब कुछ एडवांटेज तो मिलना ही चाहिए ना। और वैसे भी पता नहीं तुम लड़कियां काटते क्यों नहीं। ओ ड्रामे पास, इतना भी कोई ईंट नहीं मार दी। और ये मत सोचो, ये सोचो कि हमें सोना कहाँ है। डिसाइड क्या करना है, एक बेड है उसी पे सो जाएंगे। हाँ हाँ, एक बेड है, एक ही चादर है, बिल्कुल साथ में सोएंगे ना आराम से। मुझे पता था तुम बहुत ओपन माइंडेड हो। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ सोएगी मेरी चप्पल, क्योंकि वो भी बहुत ओपन माइंडेड है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सोओगे जमीन पे और ये ड्रामे बंद करो और चलो रूम में। कहाँ रखने? मेरे सर पे रख दो। लो। तुम सच्ची में पागल हो क्या? हाँ। और ये लो चादर, नीचे बिछा लेना। बस चादर? नहीं नहीं, मेरे गोद में बैठ जाओ। ओके, आई डोंट माइंड। तुम बहुत बड़े वाले हो। क्या? फ्लर्टी। अब जब यहाँ सोते हो तो ठीक है, वरना मेरी गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी में सो जाओ। ओ, इतना ट्रस्ट है कि गाड़ी की चाबी दे रही हो? ट्रस्ट तुम पे नहीं है, गाड़ी पे है कि वो नहीं चलेगी, और अगर चलती होती ना तो मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर रही होती। अच्छा अच्छा, अब लड़ो मत, मैं यहीं सो जाता हूँ। आई विल मैनेज बेटर। तुम चिल्लाए क्यों? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पाँव पर तो चूहा कूदा था। तुम इडियट हो क्या? इतना कौन चिल्लाता है? तुम भी तो चिल्लाई थी जब तुम पर चूहा कूदा था। पर तुम तो लड़के हो। तो क्या भाई, हमारी भी तो पड़ती है भाई, और अगर कहीं काट जाता तो यहाँ तो हॉस्पिटल भी नहीं है। मेरी नींद मत खराब करो, सोने दो। अरे यार, ओ हेलो, सो गई क्या? तुम्हें मेरी नींद से दिक्कत है क्या? कसम से बहुत अजीब हो तुम। अरे वो नीचे माइस चू चू चूहा चूहा, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? मरो। और एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। ओ हेलो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम जैसे भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चुपचाप आओ और सो जाओ। भगवान कसम, मैं अपनी जगह से नहीं ला, मेरा मुंह नहीं टूटना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी कोई जान के नहीं आई। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वो मुझे बिजली से डर लगता है। हाँ आई नो, दिख रहा है। क्या हुआ? मेरी नींद खुल गई है और भूख भी लग रही है, सोचा कुछ खा लेती हूँ। तुम कुछ खाओगे क्या? हाँ अब यही कर लेते हैं, नींद तो आने रही। अच्छा एक बात बताओ, बियर पियोगी? हाँ, पर तुम्हारे पास कैसे आई? देखो हम राइडिंग करते हैं, और राइडिंग का शौक रखने वाले अपने साथ इमरजेंसी का सारा सामान रखते हैं, फर्स्ट एड किट, पंचर किट एंड बियर। हाँ हाँ ठीक है, लेके आओ। ओके।
इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नया नया प्यार लगता है। अगर साथ रहना चाहती हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना भेजना हमें भी आता है। अबे साले, तू है कौन? तुझे कल भी देखा था मैंने गाड़ी के पास। चला जा वरना दांत तोड़ने मुझे भी आते हैं। चल निकल साला। हमें तुम कहाँ रह गए थे? हाँ, अरे ये क्यों, तुम मेरे बिना उदास हो गई थी? शट अप, बियर दो। लो। जितना तुझे ढूंढा है मैंने, तू भी मुझे उतना ही चाहे। तू मिला तो रब मिला है, कभी रुके ना अब ये राह। तुझे खोने से ऐसा लगा जैसे जिंदगी अधूरी है, तेरे आने से ऐसा हुआ जैसे ख्वाहिश मेरी पूरी है। किस्मत से तू यूं मिला है जैसे रब की कोई दुआ है। तू संग है मेरे हर दम, मेरे खुदा का शुक्रिया है। अब ना साथ तेरा यूं छूटे ना अब हर पल दूरी है, तेरे होने से ऐसा लगा जैसे ख्वाहिश मेरी पूरी है। होने से ऐसा लगा जैसे ख्वाहिश मेरी पूरी कहाँ थे तुम? मैं बाहर था। विशाली, मुझे लगता है यहाँ हमारे अलावा कोई है। है मतलब? मुझे ऊपर से किसी की आवाजें आ रही थी। किसकी? ये तो पता नहीं, पर यहाँ कोई तो है। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, एक काम करते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। तुम पागल हो? अरे देखते हैं कौन है। नहीं नहीं, हमें चलना चाहिए। चलो मेरे साथ। और ये तुम्हारी जैकेट? चलो। नहीं ना, ऊपर सही नहीं होगा। अरे मैं हूं ना, चलो। आई थिंक हमें चले जाना चाहिए। आ...
अभिनव यहाँ से चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। विशाली रुको, हो सकता है किसी को हमारी जरूरत हो। अरे छोड़ो ना अभिनव, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। विशाली चलो। सुनिए, कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? आपको यहां बंद किसने किया? जब घर की रंगत चली जाती है ना, तो कोई दिया उस घर में उजाला नहीं कर सकता। ये घर पहले इतना बेरंगत नहीं था, इसकी रंगत मेरे बेटे अपने साथ शहर लेके चले गए। बहुत खुश था मैं उनके साथ। मैं अपने पोते के साथ रोज खेलता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे पहली बार अपने हाथों में उठाया था। फूल सा, नाजुक सा, सुंदर सा। मेरे सामने ही बड़ा हुआ और एक दिन चला गया। मेरे बेटे शहर काम करने गए थे। पहले खुद गए, फिर बहुओं को ले गए, फिर पोते को ले गए। काफी इंतजार किया कि वो वापिस आएंगे, पर कोई नहीं आया। एक दिन एक फोन आया, वो भी इसलिए कि जिंदा हूं तो कागजों पर कोई अंगूठा लगवाना होगा, कोई साइन करवाने होंगे। बस तो फिर आपके बेटे आपको लेके नहीं गए साथ में? मैंने तो अपने बेटों को बाहर काम करने और पढ़ने के लिए भेजा था। मुझे मालूम नहीं था कि वो वहीं रह जाएंगे और इस घर को भूल जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि वो इस घर को भूल जाएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं भेजता। बच्चों को बड़ा किया, प्यार से पढ़ाया सिखाया, जो मांगते थे वो सब ला के दिया मैंने उनको, और वो मुझे ही भूल गए और मुझे छोड़ गए यहां पे अकेला। वरुण की मां मेरे साथ होती तो ये दिन शायद अच्छे गुजर जाते। अब तो दिन ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। बस एक उम्मीद रहती है कि किसी दिन लौट आएंगे, पर समझ नहीं आता कि इंतजार कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि ये इंतजार
मेरे साथ ही खत्म होगा। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कब तक रुकोगे यहां पर? अंकल हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे बिना पूछे आपकी हवेली में आए, पर आपको ऐसे उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ नीचे चलिए और हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। मुझे मालूम था तुम यहीं पर हो, मुझे मालूम था। एक काम करोगे? ये चूहा बाहर फेंका, इकट्ठे चलते हैं। जी ठीक है। चलो।